लिस्ट के जैसे ही एक और डेटा टाइप होता है हमारे पास पाइथन में विच इज टपल नाउ टपल भी काफी हद तक लिस्ट के जैसा ही होता है बस एक डिफरेंस है लिस्ट एंड टपल में टपल इम्यूटेबल होता है जबकि जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है दैट मीन्स लिस्ट में हम वैल्यू को एड रिमूव एंड रिप्लेस कर पाते थे जबकि टपल में हम वैल्यू को एक बार अगर बना दिया तो उसमें फिर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते वो स्टैटिक होता है जबकि लिस्ट डायनामिक होता है

एंड ये भी इंडेक्स्ड होता है तो एग्जैक्टली exactly इसी तरह दिखेगा एक पहले टू फाइव देन टू पॉइंट फाइव एंड देन ट्रू इसकी भी अपनी इंडेक्सिंग होती है जस्ट लाइक लिस्ट सो जीरो वन टू एंड थ्री या फिर ये रिवर्स इंडेक्सिंग को भी यूज करता है या फिर को भी सपोर्ट करता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ना अगर आपको पूरी वैल्यू एक साथ चाहिए तो आप सिंपल ए को प्रिंट कर सकते हो अगर हमें सिर्फ फाइव चाहिए आउट ऑफ दिस ए सो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इंडेक्सिंग का सो ए ऑफ वन यूज कर सकते हैं या फिर ए ऑफ माइनस थ्री यूज कर सकते हैं जो आपको रिटर्न करेगा फाइव सपोज आपको सिर्फ ट्रू चाहिए तो आप ए ऑफ थ्री एफ माइनस वन यूज कर सकते हो एंड सो ऑन सो इस तरीके से आप वैल्यू को एक्सेसिंग कर सकते हो सेम भी अगर आपको कोई एक सपोज टू एंड टू पॉइंट फाइव चाहिए सब डबल तो सेम जैसे हम लिस्ट में स्लाइसिंग करते हैं वैसे हम डबल में स्लाइसिंग भी कर सकते हैं सो so, अगर हमें चाहिए टू एंड टू पॉइंट फाइव तो हम डायरेक्टली करेंगे ए ऑफ स्टार्ट करेंगे टू से स्टॉप करेंगे इससे एक ज्यादा वैल्यू पे क्योंकि इंटरप्रेटर को आप टू बोलोगे तो जीरो से वन तक ही जाएगा टू तक जाएगा ही नहीं तो हमें थ्री देना पड़ेगा so, सो जीरो टू थ्री एंड स्टेप क्या है टू से लेके टू पॉइंट फाइव तक जाना है सो so, टू से टू पॉइंट फाइव के अपने प्रोग्रामिंग में भी करके देखते हैं हम सो टपल क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट का यूज करेंगे नाउ मुझे लगता है कुछ टपल के अंदर है ना एक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट नाउ हमने करा टू फोर वन एट पॉइंट नाइन ए बी सी एंड ट्रू आप कोई भी डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो इवन सेम टाइप के डेटा कोई भी स्टोर कर सकते हो सो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ ए एंड साथ में ही मैं प्रिंट कर ले रही हूँ टाइप ऑफ ए एल्सो भी मुझे जानना है कि सच में एक टपल है या नहीं सो रन ओके एंड द आंसर इज ओके एक सेकेंड सो मैं फिर से एक टपल बना रही हूँ यहाँ पे कोई भी टाइप का डेटा ले लेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगी द वैल्यू ऑफ ए एंड टाइप ऑफ ए एक्सेस करना तो मैंने ए को प्रिंट कर दिया वॉट इफ अगर मुझे सिर्फ सेवन एक्सेस करना है तो हमें इसकी इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ेगी और ये कुछ ऐसा शो होगा तो क्योंकि ये भी ऑर्डर्ड होता है इंडेक्स होता है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा पहले वैल्यू है टू देन सेवन देन वन देन ए बी सी एंड देन ट्रू ये वैल्यू हमारे पास जो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम जीरो फोर या फिर रिवर्स इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं माइनस वन टू थ्री फोर एंड फाइव नेक्स्ट थिंग इज इसकी अगर हमें सिर्फ सेवन चाहिए आउट ऑफ दिस होल ए हमें सिर्फ सेवन चाहिए तो आप यूज कर सकते हो प्रिंट ए ऑफ वन या फिर ए ऑफ माइनस फोर दोनों में से कोई भी यूज करेंगे आपको आपको सेम वैल्यू मिलेगी क्योंकि दोनों इंडेक्सिंग सेम ही वैल्यू को रिटर्न कर रही है दोनों ही डेटा सेम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम वन या फिर माइनस फोर कोई भी यूज कर सकते हैं ऐसे ही अगर आपको ए बी सी चाहिए तो आप चाहिए तो हो ऑफ थ्री एफ माइनस टू यूज कर सकते हो ना नेक्स्ट थिंग इसकी अगर मुझे टू वन एंड ट्रू चाहिए तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं प्रिंट ए ऑफ एम जैसा किया टू वन एंड ट्रू सो आप स्लाइसिंग भी सपोर्ट करता है टपल आप स्लाइसिंग भी करके सब टपल्स को एक्सेस कर सकते हो एंड यहाँ पे क्योंकि टपल जो है वो इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा होता है आप इसमें ऐड द मूव रिप्लेसिंग नहीं कर सकते हो